आज है भाई लेट? मैं लीग ले रहा हूँ, लंबे टाइम के बाद तो नहीं कहूँगा, पर हाँ ले रहा हूँ। और मेरे इधर बैक स्पाइन में भी दर्द है, दिख नहीं रहा, यहाँ पर भी दर्द है। ठीक हो? बोलेंगे वीडियो में कि हर रोज एक दर्द के बारे में बताते हैं, होता है दर्द तो बताता हूँ। अभी मुआवजा सुन लिया हूँ। बस मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूँ वर्कआउट और क्यों मैं पागलों की तरह मतलब जिम आता हूँ करने के लिए, मुझे ये नहीं पता है। पर जो खुशी महसूस होती है यहाँ पे वो कहीं भी महसूस नहीं हो सकती कुछ भी करने से। बस यही एक है कि मुझे यहाँ पे खुशी महसूस होती है खुद की शरीर देखकर कि हाँ मेरी बॉडी ऐसी है, कोई कारण ही नहीं बस, नहीं तो आता भी नहीं कभी, अच्छा लगता है देखकर। निकालेंगे इसमें से 25-25 केजी है यार। ये सबसे मुश्किल काम यही लगता है मुझे, वेट निकालना और वेट को रेक करना। कम दिखता नहीं होना मेरे, पर मुश्किल काम यही होता है कि वेट को निकालो फिर वेट को रेक करो, सबसे भारी का कम काम यही है। और कोई काम नहीं, वर्कआउट करना भारी नहीं होता है, अगर कोई वेट लगा के रख दे तो आसानी से मार लिया जाए। पर मुश्किल काम यही, आप वेट निकाले हैं फिर वेट ले लीजिएगा, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना, सबसे हार्ड काम यही होता है। फिलहाल वार्म अप ही चल रहा है और ये वेट निकाले और 25 किलो डाल दिया जाए। ऐसे भारी लग रहा है यार, पर कंधे को उठाने में थोड़ा सा हल्का फील होता है शायद, और मेरी हालत ऐसे भी खराब लगती है। फिर वेट भी ना, और वेट डालना खुद का बॉडी वेट 60 किलो मानना रहता है 100 किलो। आधा फ्रेम इधर कट रहा होगा या मैं इधर कट रहा हूँ मुझे पता नहीं, रिकॉर्डिंग अभी सही ले रहा हूँ पर फ्रेम में जरूर कट रहा हूँ मुझे पता है, कभी सर कट जाएगा तो कभी हाथ पर कट जाएंगे। जैसे तैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अकेला हूँ रिकॉर्ड ऐसे ही होगा। तो मैं बोल ही रहा था कि मेरा फ्रेम में कुछ चीज़ें कट रही और मैंने अभी रिपीट करके देखा तो कट ही गया है। तो मैं ये बोल रहा था कि जब बॉडी बनती है तो अच्छा महसूस होता है या स्ट्रेंथ बढ़ता है तब अच्छा महसूस होता है, तभी मेरा दोनों बढ़ रहा है, बॉडी भी अच्छी लग रही है देखने में और मेरा स्ट्रेंथ भी, तो इसको देख कर मुझे खुशी महसूस हो रहा है और क्या ही बोल सकता हूँ। अभी भी पता नहीं कैसा चल रहा है, लास्ट वो वार्म अप है उसके बाद से सेट शुरू करूंगा। तो अभी फ्रेम सेट है और कितना 90 45 90 सॉरी
45 5 यानी कि मुझे मारना था ऐसे 95 kg पे और मैं ले रहा हूँ 105 kg पर। 5 किलो मैं हमेशा ऐसा ही रखूँगा, चला ही जाएगा। लास्ट टाइम मेरे मारते समय मेरे लगता बैक ही मारते समय स्क्वाट मारते समय मेरा बैक में दर्द हुआ है लास्ट टाइम, थोड़ी सी गलती की वजह से, पर अब नहीं होगी, अच्छे से परफॉर्म करेंगे। क्योंकि पिछली बार जब मैं मारा था तो बैक प्लेस में मारा था जिसका मुझे दर्द हो गया। अब बेल्ट में से लगा जाए और ऐसे बेल्ट असली स्ट्रगल यहीं पे शुरू होता है, इस बेल्ट को लगाने में फट जाती है और देखते हैं जाना तो चाहिए। दस के बदला 8 गए और नहीं जा पाए, 8-8 ही लेंगे 3 सेट, अगर 10 ना जाए 8-8 ही लेंगे कम से कम, जाएगा तो सही। मैं बार बार बता रहा था पर अब की बार बैठ के बताऊंगा कि होता क्या है। शुरू शुरू में आएंगे जोश के साथ और शुरू करेंगे वो काम, पर लगता है कि एकदम मस्त कर रहे हैं, पर जैसे वेट कंधे पे जाता है और जोश होने लगता है ठंडा। फिलहाल जैसे मेरा भी जोश होने लग गया है ठंडा, वो वेट उठाने का मन नहीं कर रहा है। पर 2 सेट और मारूंगा, पहले सोचा था 10-10 का मारूंगा, इसकी बहन की वो सिर्फ 8 ही गए, अगली बार 8 जाएंगे कि नहीं इस पर भी मुझे शक हो रहा है। और बॉडी में कुछ है नहीं, बॉडी पूरी खाली है, यानी कि लोड होकर नहीं आया हूँ, मैं खाना वाना कुछ खा के नहीं आया हूँ, बस एक बिस्किट लिया है पैकेट, उस पर भी वर्कआउट कर रहा हूँ। हालत ख़राब है भाई, थक जाता हूँ मैं। बाकी को कितना नहीं होता है, अच्छी बॉडी बनाना है यार। कि 2 दिन से मौसम सही नहीं हो रहा है, रात में ठंडा सुबह में ठंडा और दोपहर में गर्मी हो रहा है, जिसके कारण तबीयत सही नहीं रहा है और मेरे भी सर में दर्द और फीवर हो गया है हल्का सा। पर मैं सोचता हूँ कि मौसम कैसा भी हो, तबीयत कैसा भी हो, पर वर्कआउट छूटना नहीं चाहिए और फिलहाल मैं वही कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ जैसे मैं हमेशा करता हूँ, अच्छे से परफॉर्म करता हूँ, जैसे हमेशा लगाता हूँ, अपने 100% देता हूँ, बेस्ट देता हूँ हमेशा हर रोज़, यही सोच के चलना चाहिए, कभी भी अपना बेस्ट देने से पीछे नहीं हिचकिचाना चाहिए। महादेव लास्ट है, बाद में घर पे बैठ कर बकैती करूँगा। फिलहाल मैं अभी दिखा रहा हूँ अपने लेग का कंडीशन,
अभी ऐसा है मतलब मैं 6 या 7 महीने पहले लेग इतने नहीं चौले थे, पतले थे बहुत ही काफ़ी, पर मैंने लेग बहुत ही काम किया हूँ और जिससे मेरे लेग साइड से भी यानी कि मेरे हैंड्स का भी ग्रोथ हुआ है, रूट्स का भी ग्रोथ हुआ है जो दिख रहा है और कॉर्ड और बाकी चीज़ें दिख रही है, सब अच्छा लग रहा है खुद को देख कर और खुशी महसूस हो रही है। यही बोलना चाहूँगा यार, थोड़ा तेरे कट्स आ रहे हैं, ये भी है ऐसे कट्स आ रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है हाँ अगले साल भर में थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा शायद, नजर लग जाएगी, बचा के रखना पड़ता है। टी शर्ट पहनता हूँ, यही कह रहा था भाई अपर बॉडी बनने में टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है लोअर बॉडी बनने में, तो लेग पे ज़रूर मेहनत करें, सबका अपर बॉडी बन जाता है बहुत तेज़ी से क्योंकि आपके पास टाइम है, आप मारते भी है, सबसे ज़्यादा लोग अपर बॉडी पे टाइम देता है, लेग पे टाइम देता नहीं है, लेग अगर सैटरडे को मारना है तो स्किप कर देंगे, जैसे अभी स्किप कर देंगे, खाली कल कर देंगे जिम को, क्या आना ही नहीं है, तो उसके बाद बोलेंगे कि लेग पतला ही पतला है, तो लेग पे प्लीज़ काम कीजिए, सैटरडे को नहीं मारे मंडे को लेग मारिए, आप ट्यूसडे को मारिए, हफ्ते के बीच में रखिएगा, कभी भी लेग हफ्ते के बीच में ही रखना चाहिए, अच्छा रहता है।